शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अरे अगर बहादुर हो तो आओ हो जाए दो दो हाथ। बहुत गुरूर है अपने आप पर। अभी देखता हूं कितना दम है तुम्हारे बाजुओं में। तुम बहादुर हो और बहादुरों की हम कदर करते हैं। गोविंदा सब क्या हो गया भाभी? ये सब क्या हो गया? ये सब देखा बेटा, तेरे जाते ही सारा घर उजड़ गया। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा सीमा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा उसे, जान से मार डालूंगा उसे। नहीं बेटे, मैं हूं ना माँ, मैं हूं। गोविंदा, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। नहीं बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? इसने रोनकी को गोली मारकर कानून को हाथ में ले लिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर कानून के इतने सच्चे पहरेदार हो तो जाकर धनेश्वर को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? एक हत्यारा पुलिस और कानून को चकमा देकर दिन दहाड़े सीना तान के घूम रहा है, आखिर क्यों? उसके खिलाफ जुर्म का कोई सबूत नहीं, जबकि गोविंदा ने भरे लोगों के बीच गोली चलाई है। देखो गोविंदा, तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। अगर तुमने मेरे भाई को हाथ भी लगाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। प्रीति, बचपना मत करो, मेरे रास्ते से हट जाओ। नहीं, हट जाओ मेरे रास्ते। जा गोविंदा, भाग जा, जा। मैं कहता हूं हट जाओ। कसम मेरे भाई, भाग जा। मैं जा रहा हूं मां। रुक जा गोविंदा, वरना गोली मार दूंगा। थानेदार साहब, बेहतर होता कि आप ये गोली इस गांव की हिफाजत के लिए चलाते, लेकिन अब जो काम आप और आपका कानून नहीं कर पाया वो गोविंदा करके दिखाएगा। आ जाओ।
बहादुर हो तो आओ, हो जाए दो दो हाथ। बहुत गुरूर है अपने आप पर। अभी देखता हूं कितना दम है तुम्हारे बाजुओं में। तुम बहादुर हो और बहादुरों की हम कदर करते हैं। रॉन की बतिया सरकार, तो रॉन की मरा नहीं? हाँ जी वो बतिया। रॉन की के बच जाने से गोविंदा साला तो बच ही जाएगा, साथ साथ रॉन की भी हमारा दुश्मन बन जाएगा, इसलिए अब तेरी रौनक इस दुनिया में नहीं रहेगी। मुझे माफ करना साहब, रौनक मर गया। क्या? ओह नो गोविंदा, तुम अपने आप ही फंसते जा रहे हो। गोविंदा, मां का प्रसाद लो मेरे भाई, मां की शक्ति तुम्हारी रक्षा करेगी। ये अरे, ये क्या किसी की रक्षा करेगी? इसके हाथ में है क्या जो ये रक्षा करेगी? हाँ, ये सब झूठ है, ढोंग है, बकवास है सब। ऐसा मत कहो मेरे दोस्त, ये सारी दुनिया ऐसी शक्ति के इशारे पर ही तो चल रही है। तो क्या धनेश्वर जैसे पापी भी इसी शक्ति माँ के बलबूते पर धरती माँ का सीना रोंद रहे हैं, इंसानियत के पीठ में खंजर घोंप रहे हैं? और तुम्हारी माँ, तुम्हारी शक्ति माँ आंखें मीच कर सो रही है। देखते देखते हमारा हंसता हंसाता सुखी संसार उजड़ गया, लेकिन तुम्हारी शक्ति माँ की पथरीली आंखों में हंसू तक ना। मैं नहीं मानता तुम्हारी इस माँ को, मैं नहीं मानता इस शक्ति माँ को, और अगर यह है भी तो सिर्फ पापियों और जालिमों को पना देती है, इंसानों को नहीं। ये धरती पे जुल्म जब जब बढ़ता है तो माँ की आंखें कायरों की भीड़ में छुपे हुए किसी ऐसे सच्चे माई के लाल की तलाश करती हैं, जो माँ की परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरे। और शायद वो माई के लाल तुम हो। क्यों? मुझे इसी बात का तो दुख है कि मैं माँ की कसौटी पर खरा नहीं उतरा। मेरे भाई, तुम्हें शक्ति का इस्तेमाल डाकू बनकर नहीं बल्कि एक मिसाल बनकर करना होगा। माँ तुम्हारे रोम रोम में शक्ति भर देगी। अगर ये माँ है तो इसके सीने में वो धड़कता हुआ दिल होना चाहिए जो बेटे के दर्द और उसकी कसक का एहसास कर सके। शायद मां ने तुम्हें हमारे पास इसीलिए भेजा है। मां को प्रणाम करो और आशीर्वाद दो। जय अंबे मां। बारह कुत्ते कहां छुप कर बैठा है? चूहे की तरह छुपता क्या है? लग
लगता है भाग गया कुत्ता कहीं का। सरदार वो भाग गया, सिर्फ माल मिला। मुझे माल नहीं, मुझे धनेश्वर चाहिए। बड़े साहब, मैं कहीं का नहीं रहा, मैं बर्बाद हो गया। गुंडे गोविंदा ने मेरा पुश्तैनी मकान तोड़ फोड़ डाला, सब लूट लिया। अब तो नौबत ये है साहब, जान बचाने के लिए रातों को खेतों में छुपना पड़ता है, और हमारे इलाके की पुलिस साहब उनके कानों पे तो जू तक नहीं रेंगती। साहब क्या बकते हो, झूठ कहे तो गोली से भून दो, हमारा क्या है? हम तो गाँव छोड़कर शहर में बचाएंगे, अगर दिन दहाड़े डकैतियां पड़ी तो पुलिस की इज्जत का क्या होगा? वैसे भी पुलिस की बदनामी कुछ कम नहीं है माई बाप। क्या मतलब है तुम्हारा, हमारी पुलिस सो रही है? सोई है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, मगर भाई भतीजावाद बहुत चल रहा है साहब। गोविंदा का जीजा ही हमारे थाने का इंचार्ज है, और उसी की पनाह में हमारा सारा गांव तबाह हो रहा है साहब। तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर। ठीक है, मैं खुद वहां जाकर देखता हूँ। खुदा आपको 100 बरस की उम्र दे। एक खास बात और हुजूर, कल रक्षाबंधन है और गोविंदा अपनी बड़ी बहन को बहुत मानता है, तो उससे राखी बनवाने जरूर आएगा, आप वहीं उसे पकड़ सकते हैं। नहीं गोविंदा, पुलिस को शक है कि तुम बहन के घर पर राखी बंधवाने जरूर जाओगे, इसीलिए वहां पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है। मैं और मेरे साथी भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं विक्रम, मैं अपने लिए तुम लोगों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। एक मेरी बहन ही तो है जिसने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं राखी बनवाने जाऊंगा और अकेला जाऊंगा। हे भगवान, एक भाई तो मेरा तूने पहले ही छीन लिया, अब गोविंदा की रक्षा करना। बार बार आते हैं लेकिन जिंदगी जिंदगी तो दोबारा नहीं मिलती मेरे भैया। तेरे भैया की जिंदगी उसकी बहन से बढ़कर नहीं। चल 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 इसे राखी बांधे चल। राखी तो बंधवा चुके गोविंदा, आप हथकड़ी बंधवाने के लिए तैयार हो जाओ। खबरदार चालाकी नहीं वरना सीना छलनी कर दूंगा। जीजा जी मुझे बचा लीजिए। गोविंदा छोड़ दीजिए मुझे। रुकिए।